आज डिजिटल पाकिस्तान विजन की लॉन्च है, इस हवाले से आपके साथ तफसीलात शेयर की जाएंगी। और ये जो जज्बा है, ये जो जुनून है, ये जो लगन है, ये जो मेहनत है, ये जो मोहब्बत है, ये बदल के रख देगी पाकिस्तान को। आज एक तारीखी दिन है क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में हमारी हुकूमत एक और संगे मील जो है वो अबूर करने जा रही है, डिजिटल पाकिस्तान विजन, जो मुस्तकबिल है बेहतरीन पाकिस्तान का। ये काम बेहतरीन है और इसमें जहांगीर तरीन हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की और अपनी टीम के साथ मिलके इसको रिकॉर्ड टाइम में इम्प्लीमेंट किया और ये यकीनी बनाया कि हम इसे बहुत जल्दी लॉन्च करें जो आज लॉन्च होने जा रहा है। हमारा सबसे बड़ा सरमाया हमारे नौजवान और उसके साथ साथ हमारे बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं, जो इस मुल्क के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और उसकी वजह इमरान खान पर एतमाद है, उनका ट्रस्ट करते हैं। ऐसे ही दो पाकिस्तानी आज हम आपको उनकी कहानी बताएंगे, जो आके आपसे बात भी करेंगे, जिन्होंने सब कुछ छोड़कर इस एतमाद, इस उम्मीद और उसी मोहब्बत के साथ पाकिस्तान का रुख किया, जिनको सबसे पहले मैं दावत देने लगा हूँ, जो आएंगी और बताएंगी कि ये क्या है विजन ऑफ डिजिटल पाकिस्तान। आप सीनियर गूगल एग्जीक्यूटिव रहीं, बहुत बड़ी आपने जॉब छोड़ी, गूगल को छोड़ा और पाकिस्तान आई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इस विजन को ड्राइव करने के लिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। और आपसे वो आके बात करेंगी, आपकी पुरजोर तालियों में तशरीफ लाती हैं तानिया। थैंक यू फैसल। अस्सलाम वालेकुम, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, आईटी मिनिस्टर साहब, मेंबर्स ऑफ कैबिनेट, गेस्ट्स, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज आपसे बात करने का मौका दिया। बिफोर मैं डिजिटल पाकिस्तान की विजन की तरफ जाऊं, मैं कुछ आपके मिनट लेके आपसे बताना चाहूंगी कि मैं यहाँ पहुंची किस तरह, ऑल्सो क्यों मैं इतनी एक्साइटेड हूँ इस वक्त पाकिस्तान में जो अपॉर्चुनिटी है टेक्नोलॉजी की तरफ से। देखिए, मुझे पाकिस्तान छोड़े हुए 20 साल हो गए और हम सब जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, जो सब बाहर रहते हैं, जो एक पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी लेके बाहर गए थे, हम अपनी पूरी कोशिश जारी रखते हैं कि किसी तरह कंट्री को कंट्रीब्यूट कर सकें और हर जो भी मौका मिलता है कल्चर को शोकेस करने का, कंट्रीब्यूट करने का, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो करें। मुझे जब जब ऐसे मौके मिले, मैंने अपनी फुल कोशिश करने की। MIT में जब मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट थी, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं पाकिस्तान पे पहली केस स्टडी लिख सकूं MIT के प्लेटफॉर्म से, वो मैंने किया। 7 साल पहले मुझे गूगल में अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं पाकिस्तान का बिजनेस शुरू कर सकूं, उसके लिए मैं अमेरिका छोड़ के सिंगापुर मूव हुई, गूगल का बिजनेस शुरू किया, हमने प्रोडक्ट्स यहाँ पे गूगल के लॉन्च किए, उसके देखे देखे फेसबुक ने अपना पाकिस्तान के ऊपर फोकस शुरू किया। हमेशा फीलिंग यही रही कि मैं इनफ नहीं कर रही थी, जो मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकती थी इट वॉज नॉट इनफ। लास्ट ईयर पहली दफ़ा जब ये हुकूमत आई तो मुझे फील हुआ कि शायद मेरे जैसा बंदा वापस आके पाकिस्तान में गवर्नमेंट में रह के कुछ कंट्रीब्यूशन मुल्क के अंदर कर सके, इसलिए क्योंकि मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि इस हुकूमत को आम पाकिस्तानी के फ्यूचर की परवाह है। और मेरा एक सिंपल एजेंडा है, मुझसे लोग बहुत ये पूछते आए हैं पिछले 6 महीने में कि तुम्हारा एजेंडा क्या है या तुम किससे कनेक्टेड हो आप पोलिटिकली। देखिए जी, शॉर्ट आंसर इज मैं किसी से कनेक्टेड नहीं हूँ पोलिटिकली, ना ही मेरी किसी से रिश्तेदारी है, और मेरा एक सिंपल एजेंडा है कि मुझे पाकिस्तान की तरक्की देखनी है। और ये खाली मेरी, ये कोई यूनिक बात नहीं है, ज़्यादातर पाकिस्तानी डायस्पोरा इस एक चीज़ के ऊपर कंसर्न्ड है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ते हुए देख सकें। और ये भी मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर मेरे पहुँचने की स्टोरी कैसे शुरू हुई, जो जिन्होंने एक्चुअली PM साहब को अबाउट 6-7 महीने पहले एक ईमेल भेजी कि अगर आप टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप इससे बात करें। मुझे पता भी नहीं था कि ये ईमेल उनको गई, उन्होंने ये ईमेल अपनी रिफॉर्म टीम को फॉरवर्ड की, उस रिफॉर्म टीम ने जो भी एक्चुअली यहाँ पे बैठी हुई है 6-7 महीने मेरे साथ फॉलो अप करके मुझे कोल्ड कॉल किया उन्होंने,
मेरी उनसे जब बात करनी शुरू हुई उससे मेरी इंट्रोडक्शन जंगी तरीन साहब से हुई, जिन्होंने मुझे मेरे आइडियाज़ सुने, मुझे कन्विंस किया कि वापस आओ पाकिस्तान, मुझे प्लेटफॉर्म दिया, आईटी मिनिस्टर से मिलवाया, प्रेसिडेंट साहब से मिलवाया, मल्टीपल कैबिनेट मेंबर्स जो अभी मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे उनसे मिलवाया, पीएम साहब के पास लेके गए कि बताओ कि क्या हो सकता है इस चीज़ के अंदर, जिस टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू पाकिस्तान लीपफ्रॉग हो सकता है। और पीएम से मेरी पहली मीटिंग पे उन्होंने एक बात मुझे बहुत क्लियरली की कि तानिया प्रॉब्लम्स की लिस्ट यहाँ पे बहुत लंबी है लेकिन तुमने प्रॉब्लम्स को देख के घबराना नहीं है। इन सब की कॉन्फिडेंस की वजह से जी मुझे कॉन्फिडेंस ये पैदा हुआ कि शायद एज एन आउटसाइडर जो एक सिस्टम का हिस्सा मैं नहीं हूँ, शायद मैं वापस आके लीप ऑफ फेथ लेके शायद कुछ यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकूँ। अब क्यों मैं इतनी बुलिश हूँ पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी के ऊपर? देखिए, हमारे 100 मिलियन प्लस लोग 25 साल की उम्र से छोटे हैं इस वक्त, तो फॉर एवरी पाकिस्तानी जो रिटायर होगा अगले 20 साल में, 3 यंग पाकिस्तानीज वर्कफोर्स को एंटर करेंगे। ये 3 पाकिस्तानीज टेक सेवी हैं, उनको टेक्नोलॉजी इज़ अ पार्ट ऑफ देयर लाइव्स। हमारी मिडिल क्लास स्ट्रांग है और ग्रोइंग है, कंज्यूमर स्पेंडिंग हर वर्टिकल में आप देखें कंज्यूमर स्पेंडिंग ग्रो कर रही है, टेक्नोलॉजी की पेनिट्रेशन अभी हर वर्टिकल में बहुत कम है। तो आप अगर इसी को देख लें एज एन अपॉर्चुनिटी, हर चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो पेमेंट्स हो, हर वर्टिकल में $1 बिलियन कंपनीज बनने की अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में। आज 70 मिलियन प्लस हमारे ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टेड यूजर्स हैं, 70 मिलियन प्लस अमंगस्ट द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारा टेक टैलेंट लोकली और हमारा जो टेक डायस्पोरा है जो पिछले डेकेड से बाहर कंपनियां शुरू कर रहा है, कंपनियों को स्केल कर रहा है, उनको बेच रहा है, ये सब लोग आज तैयार हैं पाकिस्तान की तरक्की के तरफ कंट्रीब्यूट करने के लिए। और गवर्नमेंट का रोल, देखिए गवर्नमेंट का रोल इसमें बहुत सिंपल है, गवर्नमेंट ने एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है और एक बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनको कहते हैं डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक्स वो बनाने हैं, और पॉलिसीज ऐसी बनानी है जिससे इनोवेशन कंस्ट्रेन ना हो, एक्चुअली इनोवेशन को अलाउ किया जाए कि वो अपना मैजिक दिखा सके। दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट नीड्स टू डू। और इनमें हमने 5 क्लियर एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें सेंट्रली अप्रूव्ड स्ट्रैटेजीज की हमें ज़रूरत है फ्रॉम द वेरी टॉप। पहला एरिया इज एक्सेस एंड कनेक्टिविटी। अगर प्लीज स्लाइड्स करा जी। पहला एरिया इज एक्सेस एंड कनेक्टिविटी। देखिए जी, एक्सेस की जब हम बात करते हैं, एक्सेस टू द इंटरनेट हमारी लाइफ टाइम का सबसे बड़ा डेमोक्रेटाइजिंग फोर्स है। इससे ज़्यादा डेमोक्रेटाइजिंग फोर्स आज तक कोई मिली नहीं है हमें। आज जो हमें एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इक्वल्स एक्सेस टू नॉलेज, हम जो कहते आए हैं रोटी कपड़ा मकान, उसको हमें चेंज करके रोटी कपड़ा मकान और इंटरनेट अब कहना ज़रूरी है, क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने इसको एवरी पाकिस्तानी का राइट समझ के इसको आगे बढ़ाना है। अब आप अगर देखें, हमारा फौजी जो सियाचिन में बैठ के सर्व कर रहा है, उसको हफ्ते में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने बच्चों से बात करने की, वीडियो कॉल करने की। उसको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जिधर मर्जी वो है, उसके जिधर मर्जी जिसके बच्चे हैं, जिस मर्जी टाउन में हैं, जिधर जिस मर्जी स्टेट में हैं, कि वो वीडियो कॉल जब करे तो वो क्लियरली उनसे बात कर सके, उनकी एक्सेस और कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो। दूसरा मेन पिलर इसको हम कहते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन जिस तरह मुल्कों में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रोड होते हैं, उसी तरह पाकिस्तान में गवर्नमेंट को एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की ज़रूरत है। अब इसमें अमेजिंग बात यह है कि हमारे पास एक कौमी असासा है जिसका नाम है नादरा। नादरा ऑलरेडी बना हुआ है, आपने पूरी अपनी पॉपुलेशन की आइडेंटिटी को डिजिटाइज किया हुआ है, एवरीबडी इज़ फिंगरप्रिंटेड। इसको लेके हमने एक पब्लिक गुड की तरफ जाना है और इसके ऊपर हमने और पब्लिक गुड्स बनाने हैं, पेमेंट सिस्टम जिसके ऊपर स्टेट बैंक ऑलरेडी बहुत अच्छी लॉन्च पिछले महीने कर चुकी है और इसके ऊपर काम शुरू हो गया है। जब आप इन पब्लिक गुड्स को बना के रेडी कर देते हैं, इसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर आके फिर इनोवेट कर सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरा ड्राइवर है अब्बास जो कराची में रहता है, रहीम यार खान से उसका ताल्लुक है। जब उसने पैसे भेजने होते हैं अपने घर, लेट्स से उसने 2000 रुपये भेजने हैं, उन 2000 रुपये भेजने के लिए उसको आज 150 रुपये की फीस देनी पड़ती है। अगर मुल्क ने अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सही से बनाया हो तो ये पेमेंट वो फ्री के लिए भेज सकता है, वो 150 रुपये जो आज उसके फीस में कट रहे हैं
वो 150 रुपये उसके बच्चों की एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं। तीसरी चीज देखें, ई गवर्नमेंट, आपने सब ई गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, मुझे बताएं कि क्यों पाकिस्तानियों के लिए इतना मुश्किल है गवर्नमेंट सर्विसेज के साथ डील करना। आज क्यों हमें लाइनों में खड़ा होना पड़ता है? आपको डोमिसाइल करवाना है, आपको लैंड रिकॉर्ड निकलवाना है, चालान भरवाना है, बिल्स पे करने हैं, क्यों हमें लाइनों में खड़े होने की ज़रूरत है? आप सब फिंगरप्रिंटेड हैं, कोई आपके पास आइडेंटिटी है, हर चीज़ हम लिंक कर सकते हैं ताकि इन चीज़ों में आसानी पैदा हो सके। और गवर्नमेंट के अपने प्रोसेसेस देखें, गवर्नमेंट में ये हुकूमत आई थी इस प्रॉमिस के साथ कि ट्रांसपेरेंसी पैदा होगी। ट्रांसपेरेंसी का सबसे आसान तरीका इज डिजिटाइज करना गवर्नमेंट के प्रोसेसेस। प्रोक्योरमेंट का आप एग्जांपल लें, इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तानी गवर्नमेंट 3 ट्रिलियन रुपीस की प्रोक्योरमेंट करती है, 3 ट्रिलियन रुपीस, लार्जली पेपर बेस्ड। आप इमेजिन कर सकते हैं कि हर स्टेप के अंदर कहाँ कहाँ पैसे निकलते हैं, ज़ाया होते हैं। हमारा काम है अगर हम इस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को लेके इसको हम डिजिटाइज कर सकें। ये मैं एक एग्जांपल आपको खाली दे रही हूँ, आप इमेजिन करें कि इसकी सेविंग क्या है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। चौथी चीज, डिजिटल स्किलिंग एंड लिटरेसी। देखिए जी, हमने अगर नॉलेज इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिशन करना है तो हमें साइंस और टेक्नोलॉजी एजुकेशन को एम्ब्रेस करना है एट द यंगेस्ट लेवल। हमें अपने छोटे बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एजुकेशन हैज़ टू बी कॉमन प्लेस। हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पे करिकुलम्स जो इस वक्त हमारे बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं 4-4 साल के बाद, वो आउटडेटेड हैं, दे आर नॉट रेडी कि वो ग्लोबल इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सकें। अगर हमने इसको इस वक्त फिक्स करना ना शुरू किया तो इसकी प्रॉब्लम हमें 10 और 20 साल के बाद नज़र आनी शुरू होगी। तो ये इट्स इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट कि हमें एक आरफा करीम की पाकिस्तान में नहीं, हमें हज़ारों आरफा करीम्स की ज़रूरत है। और जब तक हम अपने करिकुलम को फिक्स करना नहीं शुरू करेंगे और इसकी तरफ नहीं आगे बढ़ेंगे तो ये बात पॉसिबल नहीं हो सकती। और देखें जी, पांचवी चीज़ इज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अंदर गवर्नमेंट का की रोल है कि एक इन्वायरमेंट ऐसी पैदा करें कि इन्वेस्टर्स कंफर्टेबल फील करें कि वो आके पैसे इन्वेस्ट कर सकें कंपनीज के अंदर। आपके छोटे स्टार्टअप्स, टेक स्टार्टअप्स जो हैं, उनके लिए आसानी पैदा करें कि वो अपनी कंपनियां खोल सकें, अपने बैंक अकाउंट्स खोल सकें, पैसे जब उनके आए उनको एक्सेस कर सकें, कंपनीज को स्केल कर सकें। इस वक्त जब आप टेक स्टार्टअप से बात करते हैं, उनको हर इस छोटी छोटी स्टेप के अंदर मुश्किलें आती हैं। और देखें, जो हमारी यंग पॉपुलेशन है, जो हमारी 100 मिलियन स्ट्रॉन्ग की यंग पॉपुलेशन है, आपका ख्याल है उनकी फ्यूचर जॉब्स किधर से आएंगी? इनकी फ्यूचर जॉब्स टेक्नोलॉजी के थ्रू आएंगी। आज पाकिस्तान उस स्टेज पे है जहाँ पे इंडोनेशिया पिछले 8-9 साल पहले था। इंडोनेशिया में पिछले 10 सालों में $5 बिलियन प्लस कंपनीज टेक्नोलॉजी में बनी हैं, $5 बिलियन प्लस कंपनीज। उन्होंने कलेक्टिवली इंडोनेशियन इकोनॉमी में इतनी कंट्रीब्यूशन की है कि इट्स इन द बिलियंस ऑफ डॉलर्स। उन्होंने जॉब्स इतनी क्रिएट की हैं जो ट्रेडिशनल इकोनॉमीज पहले नहीं कर सकें। देर इज़ नो रीज़न कि पाकिस्तान में $5 बिलियन कंपनीज अगले 5 साल में नहीं बन सकती अगर हमने इन्वायरमेंट सही क्रिएट की। और हमारे पास सब चीज़ें हैं, हमारे पास सारे जो कहते हैं इन्ग्रीडियंट्स, सारे इन्ग्रीडियंट्स इन प्लेस हैं। हमने अब ये करना है कि हमने एक सेंट्रलाइज्ड मैंडेट और सेंट्रलाइज्ड सेटअप के साथ जो एट द हाईएस्ट लेवल एम्पावर्ड है, हमने इसको सबको साथ लेके बढ़ना है। हमारा काम आज ये है कि हम एक जर्नी, एक डिजिटल जर्नी की तरफ पहला कदम ले रहे हैं। अब अगले 3 से 6 महीने में हमने हर पिलर के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलके हमने क्लियर टारगेट्स विद क्लियर ओनर्स निकालना है और हमने इनको पब्लिश करना है। और हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये पर्सनली ये कमिटमेंट दिया है कि इसको वो खुद मॉनिटर करेंगे। दिस इज़ सच अ बिग नेशनल प्रायोरिटी। और देखिए जी, ये बात ये किसी एक बंदे की बात नहीं है, ये कोई एक बंदा या कोई एक इदारा नहीं कर सकता, ये एक शहर और एक सूबे की बात नहीं है। दिस इज़ अबाउट पुटिंग पाकिस्तान ऑन द मैप। जब तक हम इसको साथ मिलके करना शुरू नहीं करेंगे, हम इस मुल्क को लीप फ्रॉग इंटू द फ्यूचर नहीं कर सकते। और ये आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके अगर आइडियाज़ हैं
जिसके थ्रू आपके ख्याल है टेक्नोलॉजी आके इस मुल्क को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, प्लीज़ रीच आउट करें। अगर आप डायस्पोरा का हिस्सा हैं और आप इधर आके कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, प्लीज़ आप हमें रीच आउट करें। ये काम हम सब साथ मिलके जब तक नहीं करेंगे, हम इससे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और लेकिन चेंज, एक रेवोल्यूशन लाने के लिए, चेंज लाने के लिए हर एक बंदे को उसका हिस्सा बनना पड़ता है। इस कमरे में आज हम सबको कमिटमेंट करने की ज़रूरत है कि हम इस रेवोल्यूशन और इस चेंज का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं और हम सब इसको साथ मिलके आगे बढ़ाएंगे। और जो स्केप्टिक्स हैं, मैं स्केप्टिक्स को ये कहना चाहूँगी कि क्वेश्चन हमें ये नहीं पूछना कि पाकिस्तान में हो सकता है या नहीं हो सकता, क्वेश्चन हमें ये पूछना है कि हम इसको कितनी जल्दी शुरू कर सकते हैं। थैंक यू।